पिछले कुछ दिनों से इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर बिपरजॉय साइक्लोन बहुत ही तबाही मचा रहा है। इस साइक्लोन ने इंडिया के पूरे वेस्टर्न कोस्ट को प्रभावित किया है, जिसमें गुजरात में बहुत ही भारी बारिश और बहुत ही पावरफुल हवाएं चल रही है। साइक्लोन ने पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कैपिटल कराची और इंडिया में गुजरात की मांडवी सिटी के बीच लैंडफॉल बनाया, जिसमें मुंबई सहित एक बहुत बड़ा एरिया इसमें प्रभावित हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान में 180,000 से ज़्यादा लोगों को एक सुरक्षित जगह पर रखा है ताकि ज़्यादा कैजुअल्टीज ना हो। तो आइए जानते हैं डिटेल में बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में, जो करंटली गुजरात को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए और वीडियो शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इस साइक्लोन की स्पीड है 150 से लेके 200 किलोमीटर पर आवर। यह साइक्लोन वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में देखा जा रहा है, मतलब इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक है। IMDB की तरफ से सौराष्ट्र और कच्छ डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उसी बीच कच्छ डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया और देवभूमि द्वारका के कुछ एरिया में बहुत ही भारी बारिश देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन बनता कैसे है। साइक्लोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गर्म हवा के चारों ओर लो प्रेशर हवा की वजह से तैयार होता है। जब एक तरफ से पूरी गर्म हवाएं और दूसरी तरफ से ठंडी हवा कंबाइन होती है तो एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है और इसी को साइक्लोन कहा जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 30 से 300 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। एक गोलाकार पथ में चक्कर लगाती घूमती हुई राशि होती है। स्टडीज के हिसाब से हर साल 70 से 90 साइक्लोन पूरे दुनिया भर में आते हैं। साइक्लोन के क्या इफेक्ट होते हैं? ऐसे खतरनाक साइक्लोन्स की वजह से बड़े बड़े पेड़ जमीन पर गिर जाते हैं, भारी बारिश होना शुरू हो जाती है, कई लोगों की जाने भी चली जाती है, उसके साथ ही कई सारे स्ट्रीट लाइट के खंभे गिर जाते हैं, कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरती है। साइक्लोन के कारणों से फसलें बर्बाद हो जाती है, कई दिनों तक कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे इलाकों में पानी भर जाने की वजह से पीने के लिए फ्रेश वाटर भी अवेलेबल नहीं होता है, जीव जंतु और पक्षियों को भी बहुत ही बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचता है, घर गिर जाने पर कई दिनों तक बहुत ही बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना करना पड़ता है। साइक्लोन को नाम कौन देता है? दुनिया भर में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन साइक्लोन्स के नाम मेंटेन करता है और लिस्ट को रोटेट करते रहता है और आने वाले हर एक साइक्लोन को एक नया नाम देता है। दुनिया भर के हर महासागरीय बेसिन में बनने वाले सारे साइक्लोन्स का नाम RSMC जो कि रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर और TCWC जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर है, इन दोनों के द्वारा इन साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ और 5 TCWC समेत दुनिया में टोटल 6 RSMC सेंटर है। IMD ने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बे ऑफ बंगाल खाड़ी और अरेबियन सी समेत नॉर्दर्न इंडियन ओशन में बनने वाले साइक्लोन्स को नाम दिया है। IMD को साइक्लोन और तूफान के बनने पर 12 और कंट्रीज की सलाह जारी करने का भी अधिकार है। अब आप पूछेंगे कि ये 12 कंट्रीज कौन सी है, तो उससे पहले ये जान लेते हैं ओमान में मस्कट में जो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में सारे देशों ने इस बात से एग्री किया कि वे बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में जितने भी साइक्लोन्स आएंगे उन साइक्लोन्स के नाम रखने के लिए हर एक देश ने अपनी अपनी लिस्ट बनाई। पहले इस लिस्ट में सिर्फ 8 कंट्रीज थी, उसके बाद 5 और कंट्रीज जुड़ गई और अभी टोटल इंडिया को मिला के टोटल 13 कंट्रीज है। टोटल 13 कंट्रीज है, इसलिए हर एक कंट्री ने आने वाले साइक्लोन्स के लिए 13 नाम सजेस्ट किए हैं और टोटल 169 इतने सारे साइक्लोन्स के नाम अवेलेबल है। हमारा इंडियन ओशन यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है उस रीजन में टोटल 13 कंट्रीज है, जो कि इंडिया के साथ बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन, ये सारी कंट्रीज मिलकर आने वाले हर एक साइक्लोन को नाम देते हैं। अभी का जो साइक्लोन का नाम है बिपरजॉय, ये नाम बांग्लादेश ने दिया है।
जब इसके बाद कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम तेज साइक्लोन होगा और ये नाम इंडिया ने दिया है। बिपरजॉय ने कितनी तबाही मचाई है। इस बिपरजॉय की वजह से गुजरात में 1000 से ज्यादा गांवों की इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है। बहुत सारे पेड़ जमीन पर उखड़ के रास्तों पर गिर रहे हैं। लोगों के रहने के घर भी साइक्लोन की वजह से और बारिश की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। दो लोगों की मौत हुई है और एटलीस्ट 22 लोग इंजर्ड हुए हैं। इलेक्ट्रिक पोल गिरने की वजह से और पेड़ नीचे गिरने की वजह से ये आंकड़ा 15 जून तक सिर्फ गुजरात के कोस्टल एरिया का है। साइक्लोन की वजह से बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस गुजरात को उठाना पड़ा और साथ ही में स्टेट पावर यूटिलिटी पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड को 5120 इलेक्ट्रिक पोल्स का नुकसान उठाना पड़ा। गुजरात के मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल ने फ्राइडे को कहा कि अराउंड 54,000 लोगों को रीलोकेट करना पड़ा। साइक्लोन की वजह से दिल्ली के भी कुछ इलाकों में हमको भारी बारिश देखने को मिली। गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी इस साइक्लोन ने अपने असर दिखाना शुरू किया है। राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी किया है, 16 डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट लगाया है। NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई है। SDRF की 8 टीमें और NDRF की 1 टीम राजस्थान में तैनात की गई है। जब ऐसे डिजास्टर आते हैं तो हमेशा हमारी इंडियन आर्मी मदद करने के लिए सामने रहती है। ठीक वैसे ही इस बार इंडियन आर्मी ने NDRF और SDRF को साथ में लेकर बहुत मदद करना शुरू किया है। साइक्लोन से बचने के लिए उपाय, घरों की मरम्मत करवाइए। कांच की खिड़कियों पर लगाने के लिए लकड़ी के बोर्ड तैयार रखें। रेडियो से जुड़े रहे ताकि आपको सारी न्यूज मिलती रहे। ज्वलनशील पदार्थ को हिफाजत से रखें ताकि तेज हवा चलने पर वो आग का रूप ना ले ले। फ्लैशलाइट, लालटेन, कुछ सूखे सेल अपने पास रखें। अगर आप मछुआरे हैं और आप समुद्र के पास रहते हैं तो आप अपनी रहने की जगह तुरंत बदलनी चाहिए। पेड़ पौधे और बिजली के तारों के नीचे आसपास ना रहे। फसलें अगर 80% भी तैयार है तो उसको काट लीजिए। जानवरों को सेफ शेड में रखें और आखिरी में किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। क्या करता हूँ कि वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपने सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।